राजस्थान के अनाज कारोबारी के बेटे के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था, जहां इंदौर पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अब पुलिस ने धर्म परिवर्तन के इस मामले में बच्चे की मां को भी सह आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने बच्चे की मां को जेल भेज दिया है। वहीं मामले में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर आरोपी पर रासुका लगाने की मांग की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। हिंदू बच्चे का जबरन कराया धर्म परिवर्तन, बच्चे की मां को पुलिस ने बनाया सह आरोपी, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने की रासुका लगाने की मांग, ट्वीट पर आरोपी पर रासुका लगाने की है मांग। 8 साल के बच्चे के जबरन मतांतरण के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि शाजापुर में रहने वाले इलियास कुरेशी ने रतलाम से जैन समाज की महिला और उसके बेटे का अपहरण किया। इसके बाद बेटे का खतना कराकर उसके फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए और मतांतरण कराया। यह अत्यंत चिंताजनक है। ट्वीट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आरोपित पर रासुका लगाकर कार्रवाई की बात कही है, ताकि इस तरह की वारदात वापस ना हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान के अनाज कारोबारी के बेटे के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था, जहां इंदौर पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अब पुलिस ने धर्म परिवर्तन के इस मामले में बच्चे की मां को भी सह आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने बच्चे की मां को जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर आरोपी पर रासुका लगाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।